तो इस वीडियो में हम व्हाट इफ एपिसोड 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये वाला एपिसोड कैसा है। इसको पीछे एपिसोड से बात करेंगे। इसमें पूरे अभी तक व्हाट इफ के जितने भी एपिसोड आए हैं इस सीजन में पूरे अराउंड द वर्ल्ड देखो तो फैंस का से मिस रिएक्शन आ रहे हैं। मतलब कुछ कोई वाला एपिसोड अच्छा लग रहा है, कुछ कोई वाला एपिसोड नहीं अच्छा लगा। इस वीडियो में एपिसोड 4 का रिव्यू करेंगे, इसका ये वाला एपिसोड 4 कैसा था। तो इस वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हम इस वीडियो में एपिसोड 4 के बारे में बात करने जाएँ तो ऑब्वियसली इसमें स्पॉइलर तो होंगे। तो अगर आप इस एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप इस वीडियो को वॉचर टाइम से आप इस वीडियो को तब भी देखें अगर आप लोगों ने एपिसोड 4 देखा है। देखिए व्हाट इफ सीरीज के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं भी आपको जैसे बताता कि इस बारी ये वाली सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्योंकि इस सीरीज में हमें जो भी होता हुआ दिखाई दे रही है आने वाले फ्यूचर की सीरीज में इंपैक्ट, आने वाले फ्यूचर की मूवीज़ में इंपैक्ट करेगा। जैसा कि हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई जा रही है आने वाले हमें फ्यूचर में ये वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। मगर इस एपिसोड की मैं बात करूँ, इस एपिसोड से वो चीज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी एपिसोड देखे थे, फॉर एग्जांपल एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, उसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती, उसी एपिसोड पे एंड हो जाती थी। मगर उस उन्होंने एपिसोड का अगले बार आने वाली मूवी से कोई इतना रिलेशन भी नहीं था कि उन्होंने एपिसोड की स्टोरी ऐसी थी भी नहीं कि वो आने वाली मूवीज़ में हमें देखने को मिलती। मगर इस एपिसोड में ऐसी स्टोरी है जो हमें आने वाली मूवी में देखने को मिल सकती है। अब इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड का नाम था व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लूजेस हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। अब हार्ट से मेरा मुराद यहाँ पर 80 वाला ऑर्गन ही बढ़ के प्यार यानी कि सच्ची मोहब्बत है। तो नाम से आप लोगों को पता लगे हुआ है वाले एपिसोड डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर बेस्ड। और यहाँ पर एक मुझे अमेजिंग चीज़ यही लगी और ये अच्छी चीज़ भी थी कि हमने जितने भी से पहले एपिसोड देखे उसमें हमें मल्टीपल सुपर हीरोज देखने को मिले थे, मल्टीपल एवेंजर्स देखने को मिले थे। मगर ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ही बेस्ड था। मतलब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी ही देखने को मिली है। अब अगर देखिए आप लोगों को शॉकिंग चीज़ों के अगर आप लोगों को शॉकिंग चीज़ों का शौक है ना कि हमें ऐसे एपिसोड दें जिसमें बहुत ही ज़्यादा शौक हो, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से एपिसोड है, यानी कि हम कुछ भी उसमें अनप्रिडिक्ट ना कर सके तो 100% मैं आपको गारंटी दूँ आप लोगों को ये वाला एपिसोड तो जरूर ही पसंद आएगा। मतलब इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा शौकिंग चीज़ें देखने को मिली, हमने मतलब सोचा भी नहीं था हमें मार्वल ये चीज़ें दिखाएगा। मार्वल वालों को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने कैसे एक सीन से पूरा एपिसोड उठा डाला। मैं उस सीन के अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा है, मैं उस सीन की बात करूँ आप लोगों को पता लगेगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज का कार एक्सीडेंट से, जहाँ पर हम देखते हैं उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है जिसके बाद से वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं। तो मार्वल ने उस सीन को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया और इसके बाद की स्टोरी बनाई जहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टीफन या इस टाइम वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बने होते, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं कार पर जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और आप लोगों से यहाँ पर मेरा एक सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर अभी अभी देना कि आप लोग को क्या लगा था इससे हमें एक्सीडेंट देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा इस सीन में। मैं अपना मुझे बताऊँ, मुझे तो 100% शो था कि हमें एक्सीडेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए व्हाट इफ सीरीज इसी के ऊपर बेस है। अगर इसका ऑपोजिट होता है, इसकी जगह कुछ और चीज़ होती तो क्या होती। मतलब हमें मुझे तो 100% शो था यहाँ पर एक्सीडेंट तो नहीं होगा, किसी और तरह से कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर मैं गलत हूँ, हमें यही देखने को मिला कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि टाइटल में था व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लूजेस हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड। यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल सही सलामत होते हैं और इसके बाद से हमें उनकी जर्नी देखने को मिलती है कैसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं, उसके बाद वो डोरमामू को हराते हैं। अब इसके बाद से हमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा हमें शॉकिंग सीन देखने को मिलते हैं, मतलब शॉकिंग स्टोरी देखने को मिलती है जो कि मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं मार्वल ये दिखाएगा। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि स्टोरी को यानी कि कार एक्सीडेंट वाले मैं बात करूँ कार एक्सीडेंट वाले सीन को 2 ईयर्स हो चुके हैं, 2 साल बाद कैसे वो दोबारा पास्ट में जाता रहता है अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार सेव करने के लिए, वो दोबारा पास्ट में जाता रहता है, दोबारा पास्ट में जाता रहता है। मगर हमेशा किसी ना किसी तरह से कभी उसके एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी तरह से, कभी पॉइजन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। यहाँ पर मेंशन 1 भी देखने को मिलती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहती है कि ये होना ही था, अगर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ ना होती तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बनती, या स्टीफन कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बनते। जैसा कि मैं पता डॉक्टर स्ट्रेंज किसी की भी बात नहीं सुनते, जैसा कि उन्हें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में वो की बात नहीं सुनी थी, उसके बाद सारा ये कारनामा हो गया जो कि हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिलेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कैसे यहाँ पर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज हो जाते हैं, एक डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, दूसरा इवर डॉक्टर स्ट्रेंज जिसको यहाँ पर स्ट्रेंज सुप्रीम भी कहा गया है। अब ये एपिसोड पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें देखने को मिले और हमें पता है डॉक्टर स्ट्रेंज का ताल्लुक किससे, टाइम से, तो हमें टाइम ट्रैवल तो देखने को मिलेगा ही। और जहाँ पे टाइम ट्रैवल होगा वहाँ पे कंफ्यूजन तो पैदा होगी। हाँ, ये एपिसोड थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए अगर आप लोगों ने इसको पूरा समझना, इसको पूरे ध्यान से देखना होगा, अनलाइक प्रीवियस एपिसोड, क्योंकि हमने वो वाला एपिसोड देखा उसकी तो नॉर्मल स्टोरी थी, स्टार्टिंग से लेकर अच्छे नोट पर उसकी स्टोरी एंड हो जाती है। मगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, और यही चीज़ इस एपिसोड को प्रीवियस एपिसोड से अलग बनाती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें फास्ट करके दिखाई गई इस एपिसोड में। आप लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं, हमें 30 मिनट के एपिसोड में पूरा टाइम ट्रैवल देखने को मिला है, हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप खुद ही कह सकते हैं कितना फास्ट और कितना रश करके दिखाया गया है। आप इमेजिन करके देखें, हमें बिल्कुल यही स्टोरी एक मूवी में देखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी अच्छी मूवी होगी। मैं जब ये वाली स्टोरीज में देखने को मिली है, ये बार एपिसोड अच्छा था, हमें स्टोरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। बस मैं इतना कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्होंने रश करके एकदम से, मतलब एक बहुत जल्दी लोगों ने हमें करके दिखाया हो। जब आप एपिसोड देख रहे तो आप एकदम से कहते हैं यार मतलब एपिसोड एकदम से खत्म भी हो गया, इस पूरे एपिसोड में हुआ क्या था। और यहाँ पर मुझे एंड में फाइटिंग सीन देखने को मिलता है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो मतलब कमाल का फाइटिंग सीन था। अगर आप लोगों ने मेरा फाइटिंग सीन देखा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा फाइटिंग सीन कैसा लगा। स्पेशल जो लोग वो मैजिक का यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं सुप्रीम स्ट्रेंज की बात करना चाहूँगा, वो ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे। ओबियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया था, वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम के ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा होगा और इस बार एपिसोड में भी आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा। आप लोगों को कुछ अलग से नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज रख दिया, मतलब आप ये वाली बात मैंने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में की नहीं थी, मगर मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे थे। मगर इस एपिसोड को देखने के बाद इसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांस होने के मैं शायद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले वो रियल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। अब वो रियल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है? बेबी मेफिस्टो। यहाँ पर एक सोचने वाली बात भी, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सोर्सर सुप्रीम उनसे कैसे स्पेल, उनसे स्पेल कैसे गलत हो सकता है? वो जानते हुए भी कि यूनिवर्स जो है रिस्क में, उसके बाद से उनसे ये स्पेल कैसे गलत हो सकता है। तो हाँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो नहीं, हो भी सकते हैं, बहुत सी रियल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज। मगर यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, एक और बात भी यहाँ मद्देनजर रखने वाली है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर जो है लीक हुआ था, उसके बाद से अगले दिन सोनी ने इसका, मैं बात करूँ, सोनी ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया। तो हो सकता है कि मार्वल वाले इसलिए या सोनी वाले इसलिए इसको डिले कर दें ताकि ये वाला एपिसोड, व्हाट इफ का वाला एपिसोड फैंस देख लें, उनको ये वाली स्टोरी पता लग जाए, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ये भी रूप देख लें, उसके बाद हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर रिलीज करेंगे। इसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, मगर चूंकि हमने वो वाला ट्रेलर पे देख लिया था, फिर हमने ये एपिसोड देखने को मिला तो वो हम ये, इसमें हमें थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है। हाँ देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैं सॉलिड चांसेस तो ज़रूर दूँगा, इसके चांसेस तो हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज फार फ्रॉम होम में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो। वो मुझे क्यों लग रहा है, वो मुझे व्हाट इफ के इस एपिसोड को देखने के बाद से लग रहा है। मतलब आप लोग खुद इमेजिन करके देखें, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक विलन देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो उन लोगों ने मैजिक का यूज़ किया ना फाइटिंग सीन के दौरान, जो हमें सुप्रीम स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है, वो कमाल का उस मैजिक यूज़ आता, बहुत अच्छी फाइट थी वो। इस एपिसोड की एंडिंग की बात करूँ तो वो भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड इसकी एपिसोड की एंडिंग थी, जो कि मैं बोलूँ हमारे सोचने से बाहर, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। जब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज में, मैं अगर बात बोलूँ, दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज एक ही डॉक्टर स्ट्रेंज में मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद मैं बात करूँ वर्ल्ड श्रिंक हो जाता है, मतलब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसी के अंदर कैद रह जाते हैं। और यहाँ पर हमें वॉचर का भी एक रोल देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, उसमें भी मैंने इस बात को कहा कि मैं वॉचर जो है ये आने वाले एमसीयू के मूवीज़ में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये इस वक्त सुपर विलन होने वाले, आने वाले एमसीयू में हमें विलन देखने को मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है। आप लोगों को यहीं से पता लग ही गया होगा, जो इसने, मैं बोलूँ यहाँ पर थोड़े से भी इसके सीन है, जो इसने लाइन बोली, आपको पता लग ही गया होगा कि इतना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन होने वाला है। आप इसको बहुत डार्क और हॉरर एपिसोड भी कह सकते हैं। हॉरर में इतना नहीं कहूँगा, मगर एक बात बोलूँ, मैं हॉरर थीम दे सकता हूँ, थोड़ा डार्क। हाँ, डार्क एपिसोड तो ये था, ये तो मैं मानता हूँ। देखिए डार्क एपिसोड हो भी सकता है, क्योंकि कौन सा कोई हमें मूवी या फिल्म देखने को मिली है, ये एक एनिमेटेड शो हमें देखने को मिला है, एक एनिमेशन हमें देखने को मिली है, तो इसमें ये मार्वल जो है डार्क थीम यूज़ कर सकते हैं। मगर ओवरऑल पूरे एपिसोड की बात करूँ तो हाँ, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस और मल्टीवर्स के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें उस मूवी में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये जो हमें स्टोरी देखने को मिली है, मैं आने वाली मूवीज़ में ज़रूर देखने को मिलेगी। आने वाली मूवी से मेरा मुलाकात कोई और मूवी नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस और मल्टीवर्स ही है। ओवरऑल इस एपिसोड के बारे में रिव्यू दूँ तो हाँ, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, एक सॉलिड स्टोरी इसमें हमें देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एपिसोड था। अगर मैं बोलूँ इसको, मैं फेवरेट एपिसोड तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा एपिसोड 2 मेरा फेवरेट था। इसको मैं अपना सेकंड बेस्ट एपिसोड तो जरूर कहूँगा। फर्स्ट एपिसोड तो ऑब्वियसली हमें एपिसोड 2 जो हमें देखने को मिला था, जिसमें मैं बोलूँ हमें ब्लैक पैंथर स्टार लॉर्ड में देखने को मिला था, एपिसोड 2 मेरा बेस्ट था। ये भी काफ़ी अच्छा एपिसोड था। बस इसमें जो नेगेटिव पॉइंट यही है, इसमें हमें बहुत ही फास्ट सब कुछ करके दिखाया गया है, हम इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट सब कुछ रश करके दिखाया गया। मगर एनिमेशन थी, एनिमेटेड शो था, तो ये एक दास से बोलूँ ये होना ही था। ओवरऑल आप लोग जरूर ओवरऑल आप इस एपिसोड को जरूर इंजॉय करेंगे। आप इसमें कहीं बोर नहीं होने वाले। इसमें मैं जैसा कि मैं हमारा बोरिंग की चीज़ कोई भी नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा आप ये वाला एपिसोड देखें, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये स्टोरी जरूर देखने को मिलने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था वाला। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज। इस एपिसोड को देखने के बाद हमें उसे एक सबक मिलता है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे सिर्फ सबक ले सकते हैं। और सारी जो बुरी चीज़ें हैं, मैं जितनी भी अच्छी चीज़ें बोलूँ, बुरी चीज़ें भी बोलूँ, सबका एक एंड होता है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा वाला रिव्यू अच्छा लगा। मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को वाला एपिसोड कैसा लगा था। इस ओवरऑल आप भी मुझे रिव्यू कमेंट में जरूर देख सकते हैं इस एपिसोड के बारे में। जैसा कि मैंने बोला, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्टोरी लगी थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी थी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा जो सुपर हीरोज़ के फैन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।